वेरी गुड मॉर्निंग अगेन फ्रॉम लेह। एंड आज डेट है 20th, क्योंकि मैं डे भूल चुका हूँ कौन सा डे है आज हम लोग को आए हुए। सी अभी हमारा ऑलरेडी सामान सारा पैकअप हो चुका है अपना जो भी था, एंड ऑल बैग्स बाइक्स जो भी हैं हमारी सारी रेडी हो चुकी हैं। बंदों का वेट कर रहे हैं कुछ लोग अभी भी, जो कि थोड़ा सा लेजीनेस दिखा रहे हैं, उनको आने दो। फिर सी द थार हमारी एंड डोमिनर और वो आर्वन 14 ईयर्स ओल्ड, दिस इज ओल्ड वाला गोल्ड। ये अर्ष भाई की बाइक और ये अपनी बाइक सेट है, बस थोड़ी गंदी दिख रही है क्योंकि भाई मैंने साफ करी नहीं है। अर्ष भाई अपने चमका के रख रहे हैं, वैसे कोई फायदा नहीं है क्योंकि अभी यहाँ से मुझे लगता है 50 किलोमीटर के बाद इसकी हालत भी ऐसी हो जानी है, क्योंकि और वेदर ऑलरेडी ख़राब हो रहा है, बारिश का पता नहीं कभी भी हो सकती है। जहाँ हम रुके हुए थे वो था होटल ग्रैंड ब्यूरो। सो निकलने से पहले सर एक बार दीपक सर प्लीज़, सो मीट दीपक सर, ही इज़ द ऑनर ऑफ होटल ग्रैंड ब्यूरो। आप एक बार अपना नंबर बताएंगे प्लीज़? हाय, अपना कॉन्टेक्ट नंबर अगर कोई आता है यहाँ पे अगर स्टे करना चाहता तो। बिल्कुल, इफ़ यू लाइक टू स्टे हियर इन ग्रैंड ब्यूरो, वी आर रियली फ्रेंडली, फ्री में तो नहीं मिलेगा भाई। ये बहुत तेज लड़का है। सो कॉन्टैक्ट नंबर एक्चुअली मैं ड्रॉप कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। एंड दीपक सर इज अवेलेबल हेयर, बहुत ही अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी आज हमें। आप अप्रॉक्सीमेटली 7 डेज हो चुके हैं एंड 8वां दिन है आज हमारा, आज हम निकल रहे हैं वापस इधर से। एंड आज का जो प्लान है बेसिकली हमारा जाने का है, वो है हानले विलेज। एंड हानले में किधर रुकना है वो डिसाइड कर रहा है एक्चुअली हमारे अर्ष भाई ने, क्योंकि वही उन्हीं ही बुकिंग करी है कि किधर करनी है किधर नहीं करनी है। बाकी ये हेलो भाई, इसने बहुत काम किया मेरा भाई का यूट्यूब चैनल, ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ये हमारा कहने का है। इस भाई ने बहुत काम करा है, मेरी बहुत हेल्प करी है, बहुत ही फ्रेंडली है बंदा। खैर रखते हैं अभी और एक बार बंदों को जाने दो, फिर डन मीट के। छोटा सा चैलेंज और है वो ये है, क्योंकि हमें जिस रूट पे जाना है उस रूट पे अप्रॉक्सीमेटली हमें टिल 700 to 800 किलोमीटर्स तक कोई पेट्रोल पम्प मिलने वाला नहीं है। सो हमने उसके लिए प्लास्टिक गैलन्स की जुगाड़ किया है, जिससे कि हम फ्यूल जो है कैरी कर सकें। अब वो कैसे बांधनी है कैंस वो बताएंगे हमारे अर्ष भाई। अर्ष भाई आपके ऊपर है जिम्मेदारी है मेरी कैंस बांधने की, ठीक है? ऐसे ऐसे क्यों खड़े हो आप, कुछ हो गए कोई ना? अरे नहीं नहीं गंदी बात नहीं करते, छी छी लोग देख रहे हैं। अर्ष भाई थोड़े असली हो चुके हैं, इनको बड़ी बताओ, थोड़ा समझाना पड़ेगा, ऐसे नहीं करते हैं। अभी कैंस लेके आनी है मुझे और कैंस बांधनी है बाइक पे इधर, आई गेस यहाँ पे सही रहेगी इस टैंक वाली जगह में, सॉरी बैक सीट वाली जगह में। तो हम लोग निकल चुके हैं अभी यहाँ से ले से, जहाँ हमने अपना स्टे करा हुआ था। हल्के से गिर गए थे, सडनली कुत्ता सामने आ गया था। लाइट टेढ़ी हो गई है, वो सीधी करनी पड़ेगी बाद में, चलो वो तो खैर हो जाएगा। छोटा लीक डॉगी आने की वजह से मतलब बाइक गिर गई थी, सो गुड लक की कोई चोट वोट नहीं आई, बहुत हल्के थे हम लोग इसीलिए। इस तरह के रोड अभी मिल रहे ना, ऐसे रोड मिलते रहे तो फिर तो ट्रैवल मतलब इतनी इजीली ख़त्म होगा ना, इतनी जल्दी डिस्टेंस कवर अप होगा बहुत जल्दी। लेकिन वही ना, जो एडवेंचर चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। सो ले से निकले हम लोग, हमने यहाँ पे अभी खारू में लिया स्टॉप एक मतलब बेसिकली अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि वहाँ से कुछ ज़्यादा खास खा के आए नहीं थे, केवल सुबह से केले खा के आए हैं। इधर सारे भाई लोग पराठे बेल रहे भाई, चलिए आने दीजिए, हमारा भी वेट कर रहे हैं, आएगा खाएंगे फिर यहाँ से निकलेंगे। सबसे हैवी भाई वो डॉमिनर ऑर्डर किया था, इकलौती 4.5 क्विंटल झेल रही बेचारी, सबसे हैवी ड्राइवर यहाँ पे बैठे हुए देखो, हेलमेट निकालना ही नहीं है इन्होंने। अर्ष भाई बोल रही कसम खा रखी कि जब तक शाम तक पहुंचेंगे नहीं तो अपना हेलमेट निकालेंगे नहीं अपना। ये जस्ट अभी हम लोग निकले यहाँ से और मौसम यार फिर से खराब हो चुका है, लिटरली यहाँ का कुछ भी पता नहीं होता, मतलब कब कितना कब बारिश हो जाए कब तूफान कब आंधी यार कुछ भी पता नहीं होता, मतलब बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल वेदर रहता है। कोई बांध भी है ना ऊपर, थोड़ा छोटा मोटा कोई डैम भी यहाँ पे है, क्योंकि मैंने देखा साइड से पानी आ रहा था बहुत स्पीड से निकल रहा है वो वहाँ से। सो हम हानले की तरफ निकल चुके हैं कारों से अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद, थार अपने आगे चल रही है वो वहाँ पे, एंड है साधक भाई आगे, अर्ष भाई और अपनी डोमिनर जो है पीछे। अभी सड़कों से ही प्यार हो गया ऐसा लग रहा है भाई साहब, क्या सड़कें हैं यार, जबरदस्त सल्यूट ब्रो के लिए फॉर दिस ब्यूटीफुल रोड्स। तो उपसी की यहाँ पे आई गेस कुछ शायद डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होंगे, उसके बाद यहाँ से हम लोग को जाने देंगे आगे के लिए। ओके सो दे आर आस्किंग फॉर परमिट एक्चुअली।
जस्ट आस्किंग फॉर द व्हीकल नंबर एंड जो परमिशन हमने ली थी एक्चुअली ऊपर से हाल ले जाने के लिए वो, प्लस जो उसका इनर लाइन परमिट है लेह का जो आप बनवाते हो ऑनलाइन वो दिखाना पड़ेगा, सारी गाड़ियों के नंबर, सारे बंदों के नाम, सारी डिटेल्स एक बार हो जाएंगी जब डन, उसके बाद निकलने देंगे हमको। और भाई सबसे हैवी बाइक है अपनी ये वाली, मतलब बेसिकली दो रास्ते करते हैं, अगर आप राइट हैंड चूज करते हो तो वो रूट जाता है मनाली के लिए, और इधर का रूट चूज करते हो लेफ्ट हैंड वाला वो जाता आपका हानले बाया माहे जो है जगह माहे होते हो, मतलब आप हानले पहुँचते हो लेफ्ट हैंड वाले रूट पे। आप रिवर देख रहे हो, ये सिंध नदी है जिसको इंडस रिवर भी बोलते हैं। सिंध नदी भी कितनी प्यारी लग रही है, मतलब हरा ग्रीन ग्रीन पानी लग रहा है उसका। हो हो, इंडियन आर्मी जय हिंद सर। ओके सो TSO मोरेरी 132 किलोमीटर माहे कुछ अराउंड 50 माउंटेन्स यार, इनको जरा एक बार देखना ध्यान से, मतलब ये अलग ही कलर है, पर्पल पर्पल कलर के माउंटेन्स हो रहे हैं पीछे एकदम, यू नो अपना ब्राउनिश येलो येलो माउंटेन है, ये रेड रेड लाल पत्थर ऐसा लग रहा है मेरे को तो। इधर एक पर्पल है, उधर येलो है, फिर पर्पल है, और ये क्यों है पर्पल ये कलर्स का, मतलब मुझे खुद लिटरली कोई आइडिया नहीं, समझ नहीं क्यारी है ये जगह जहाँ पे ये पर्पल कलर के जो माउंटेन्स है वो है। आई लव क्यारी, ओ कभी ऐसी कलर के माउंटेन नहीं देखे थे मैंने, ये पहली बार देख रहा हूँ अपनी लाइफ में। एक्चुअली ये है चुमथंग जहाँ पे भी रोड बन रहा है, मतलब ब्रो इज वर्किंग ऑन दिस रोड वाला सीन हो गया, जैसे हमारे साथ हम चांगला गए थे तो उधर ऑफ रोडिंग थी, और वही सेम यहाँ पे, मतलब अराउंड कुछ हमने ड्राइव किया होगा कुछ 80-85 किलोमीटर, मतलब जो कि बहुत ही सेक्सी वाला पैच मतलब बोल सकते हो तुम मैं सेक्सी इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई वो अच्छा था, बहुत अच्छा रोड था, लिटरली दैट रोड वॉज लाइक अमेजिंग। तो उस रोड पे तो हमने बहुत जल्दी जल्दी डिस्टेंस कवर कर लिया, लेकिन अभी जो है बार बार हमें ऑफ रोड पैच मिल रहा है क्योंकि इधर के रोड जो है वर्क इन प्रोग्रेस में ब्रो काम कर रही है, जैसे ये बन जाएंगे जल्दी मुझे लगता है एक बार, क्योंकि ब्रो का काम जो है बहुत तगड़ा होता है, मुझे ऐसा मेरा मानना है, उनकी बनाए हुए रोड्स हिलते नहीं है। ओके सो इधर पहली वाटर क्रॉसिंग बोलूं क्या बोलूं, खैर जो भी है फिलहाल छोटे छोटे गड्ढे हैं, पानी भरा पड़ा, यू कांट से वाटर क्रॉसिंग, बट हाँ भाई मजा, आई वॉन्ट कि भाई मिले एडवेंचर, चाहिए तो लद्दाख आइए, कमी नहीं है एडवेंचर, भरा पड़ा कूट कूट के हर जगह, इतना ऑफ रोडिंग आप जिंदगी में कभी कहीं नहीं करने को मिलेगा इतना आपको यहाँ लद्दाख में आगे करने को मिलेगा, या तो फिर नेपाल जाओ क्योंकि वहाँ तो रोड्स होते नहीं है, पता नहीं, आई डोंट नो भाई पैसा नहीं सरकार पे क्या, लेकिन हमारे इंडिया में तो रोड्स अच्छे अच्छे होते हैं, बहुत सेक्सी सेक्सी होते हैं, यहाँ पे भी बस कुछ एक दो साल की बात एकदम बढ़िया रोड आपको मिलेंगे क्योंकि हर जगह काम जो है चल रहा है। ये डुअल सेड वाले जो पहाड़ है ना, ये मेरे को बड़े प्यारे लग रहे हैं, मतलब मैंने पहली बार देखे थे दो दो सेड आ रही है, वो तीन तीन सेड यू कैन से, मतलब इधर देखो इधर का कलर कुछ अलग है, फिर पर्पल, फिर ऊपर देखो वहाँ पे उधर वो है येलो येलो मिट्टी ऐसा है, उसके बाद ये तीन तीन सेड मतलब मिला क्यों कर रहा है। न्यूमा 27 किलोमीटर रह गया यहाँ से, माहे अराउंड कुछ आएगा 2-3 किलोमीटर रह गया होगा, अप्रॉक्सीमेटली हम माहे पहुँच ही चुके हैं लगभग। सो सेम यहाँ पे भी चल रहा है, कुछ देर के लिए इन्होंने रास्ता ब्लॉक कर रखा है, लेट्स सी अभी कितनी देर में खोलते हैं और हमें निकलने देते हैं। वो रास्ता आप जो देख रहे हो जो ब्रिज की तरफ से जा रहा है, दैट वन एक्चुअली गोइंग टू TSO मोरेरी, सो मोरेरी एंड ये जो आके जो सीधा जा रहा है ये जा रहा है आपका हानले के लिए। इतनी तेज हवा चलती है कि ना कि रोड पे क्या है कुछ दिख ही नहीं था, मतलब कुछ दिखता ही नहीं है कौन है कौन नहीं है, वो भी ऐसे जा रही है जैसे सफाई कर रही हो रोड की मिट्टी, ऐसे एकदम से बिल्कुल मेरे आगे आगे चल रही है। ओ ये निकल गया मैं इससे, हाँ बवंडर थारा भाई जोगिंदर। एक जा रहा है ये चुसूल के लिए और ये सामने जा रहा है लोमा के लिए। ओके क्या हुआ भाई, कैसे सारे लोग इकट्ठे हो गए। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no
I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. This is like a fog ki tarah kar diya pura hawa ne. Itna wonder type chal raha hai yahan pe. एकदम डिफरेंट एक्सपीरियंस है. दिस इज़ मैं हूँ तो लद्दाख में, लेकिन जो भी मेरे को फील आ रही है वो आ रही है एकदम डेजर्ट वाली, जैसे मैं किसी रेगिस्तान में आ गया हूँ. इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी और यू नो सब तरफ मिट्टी ही मिट्टी उड़ रही है हवा की वजह से. नज़ारे भी देख रहा हूँ ना, ये सारा हाल जो यहाँ का हो रखा है, धूल मिट्टी एक तरफ सारी, ये सारा न्योमा का है. मतलब इस टाइम में हम लोग जो है न्योमा पहुँच चुके हैं. पीछे देखो मतलब पूरे बर्फीले पहाड़ हैं, आगे सूखे और धूल और मिट्टी मिट्टी भरी पड़ी और कुछ नहीं उसके अलावा. लिटरली इट इज़ अ डेजर्ट. इसको मैं रेगिस्तान ही बोलूँगा भाई, रेगिस्तान से कम नहीं है ये. क्योंकि यहाँ पे जो पहाड़ हैं वो भी पूरे टोटली यू नो मिट्टी ही मिट्टी है पहाड़ों में. इतना अच्छा रोड होने के बावजूद भी बाइक को हम ज़्यादा चला नहीं पा रहे तेज, क्योंकि कभी भी किधर से मिट्टी आ जा रही है और घुस जा रही है. तो मुझे कुछ इस तरह से करनी पड़ी है. चारों तरफ पेट्रोल की कैन मुझे बहुत नुकसान कर रही है. इतना महंगा मेरा जीबी का बॉक्स और इसने उसमें इतने सारे स्क्रैचेस मार दिए ना, मन कर रहा है इस टैंकी को मैं फेंक दूं. फेंक ओ, 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 गलत हो गया. हाँ, ये सारा मिलिट्री एरिया है सारा का सारा. एंड ये कहाँ पे है, सॉरी मैं उस जगह का नाम तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी. हम लोग हैं, हमारी मिलिट्री है, वो सिक्योर रहे ज़्यादा बेटर है. श्योर शूटर्स रोड्स, दिस रोड्स आर लाइक ऑसम. जो आपने भी देखा रास्ते में पैस था, एक्चुअली पता क्या होता है, वो टैंकर्स जब मिलिट्री क्रॉस करते हैं रोड को तो उसके लिए बनाया हुआ था वो, वहाँ जहाँ से टैंकर क्रॉस करते हैं वो, इसलिए बीच में रोड के हल्का सा पैच होता है. ये मैंने 3-4 जगह देख चुका हूँ, जैसे ये पैच है तो ये टैंकर को क्रॉस करने के लिए है. ये पूरा जो आप ग्राउंड देख रहे हो यहाँ पे, इस ग्राउंड में बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, पता नहीं टैंकर्स भी होंगे, नॉट अ बिग डील बिकॉज ऑफ सारा का सारा ये हमारा जो है बॉर्डर एरिया, टोटल बॉर्डर एरिया. सहारा का डेजर्ट नहीं है भाई, ये लद्दाख का डेजर्ट है, जिस डेजर्ट में पानी भी है. आप देखिए पास में कितनी खूबसूरत सी सिंध नदी बह रही है यार, और इधर कितना ज़्यादा पूरा देख रहे, बिल्कुल जस्ट लाइक जैसे वहाँ होता है डेजर्ट्स में होता है. और इधर कितना खूबसूरत लग रहा है ये पानी बहता हुआ, और एक तरफ ही सब तरफ धूल ही धूल उड़ रही है, जस्ट लाइक डेजर्ट. हर तरफ भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही भाई साहब, वो भी थोड़ी बहुत नहीं, बहुत 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 ज़्यादा भीड़ हैं. पहले एक छोटी सी जगह पड़ती है रोंगो इसका नाम है, और आई गेस मुश्किल से यहाँ पे कुछ 15 घर मुश्किल से होंगे, या फिर मुझे लगता है 15 भी नहीं है, उससे भी कहीं कम ही होंगे. और लोग तो कहीं पर देख ही नहीं रहे, घर तो हैं लेकिन उनके अंदर लोग हैं या नहीं है ये तो मुझे पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि मोस्टली सारे घर तो ऐसा लग रहा है बंद है. देखिए ऐसा लग रहा है मैं दुबई में आ गया हूँ, इसीलिए भाई लद्दाख को लैंड ऑफ मिस्ट्रीज यूं ही नहीं बोलते भाई. यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब आपको इतना कुछ देखने को मिलता है, इतना कुछ देखने को मिलता है जो शायद कभी आपने देखा ही ना हो, या फिर आपने एक्सपेक्ट भी ना किया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है लद्दाख के अंदर. डोंट बिलीव गाइस, लेकिन यहाँ पे हवा ना इतनी ज़्यादा तेज चल रही है अभी, इतनी ज़्यादा तेज चल रही है कि हमारी जो बाइक है एक तरफ भाग रही है इधर के लिए, क्योंकि हवा जो है इधर के लिए चल रही है. तो बात कर रहा था एक्चुअली मून लैंड की. जब हम देखते हैं 3D में मून की इमेजेस या फिर उसकी सरफेस को, तो वो लिटरली ऐसे ही लगती जैसे यहाँ पे लद्दाख में ये जो पहाड़ियाँ सामने वाली लग रही हैं, सीरियसली मून लैंड जैसा ही लग रहा है. ऐसा लग रहा है ये सारा का सारा जो पोर्शन है वो किसी दूसरे प्लेनेट का है. मतलब आप इधर का देखो, आप ये देख रहे हो, एंड देन उसके बाद अगर आप गर्दन इधर घुमाते हो तो लेट्स सी टोटली डिफरेंट स्ट्रक्चर यार. साथ वाले सारे बंदे आगे, मैं थोड़ा सा पीछे रह गया, क्योंकि मैं ना यार मेरे से वो जो इस साइड वाले जो बेसिकली जो पहाड़ ना जो बेसिकली मून लैंड जैसे लग रहे हैं, इस ये जो पूरा एरिया है इधर का, मतलब यू नो राइट हैंड साइड में पूरा सब कुछ डिफरेंट है, और लेफ्ट हैंड साइड में सब कुछ डिफरेंट है. कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है ये सारा स्ट्रक्चर सामने वाला. लेट्स सी कि जो व्यूअर्स देखने वाले उनकी थिंकिंग को मेरी थिंकिंग मिलती है या डिफरेंट डिफरेंट है.
हिंदी में हर जगह हनले लिखा था, यहाँ पे अनले लिखा हुआ है। टूरिस्ट बूथ असिस्टेंस, टूरिस्ट असिस्टेंस बूथ, अनले है या हनले है? अनले। तो हिंदी में हनले क्यों लिखा है? वी हैव ऑलरेडी रीच्ड अनले, हनले। अरे भाई, सो इधर भी एंट्री होती है अनले में, हनले में, हनले बोलूं अनले बोलूं समझ नहीं आ रहा है। बोर्ड पे अनले लिखा हुआ है। तो अनले में एंटर होने से पहले इधर आपको अपनी एंट्री करानी होती है, लाइक अबाउट द व्हीकल डिटेल्स एंड आपका नाम और नंबर। हम लोग आज स्टे कर रहे हैं पद्मा गेस्ट हाउस पर, और बोर्ड के अकॉर्डिंग जिधर का उसने हमको एरो का साइन, बेसिकली साइन दिया, हम उधर ही निकल आए हैं। अभी तक तो फिलहाल हमें कोई नामो निशान दिखा नहीं है पद्मा गेस्ट हाउस का, देखते हैं किधर है। बाकी तो हम लोग ऑलरेडी अनले में पहुंच चुके हैं, जहाँ पे हमारी आज की बुकिंग है, पद्मा होम स्टेज। नाउ लेट्स सी कैसा क्या रहता है सीन इधर का। सो हम अप्रॉक्सीमेटली 5:30 बजे पहुंच गए थे पद्मा होम स्टेज में, और रूम आपको एक बार दिखाता हूँ कैसा है। दिस इज द रूम। एक्चुअली यहाँ पे 4 बेड पड़े हुए हैं, 4 बेड इस रूम में हैं, 4 बेड उस रूम में हैं, क्योंकि हम टोटल 8 लोग हैं इसीलिए। एंड जो चार्जेस हमसे लिए हैं वो 1000 पर पर्सन लिया है इस टाइम पे भी, विद यू नो शाम का डिनर एंड मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। Although show up,